सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टेक सीरीज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान टेक सीरीज में। फिर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप न्यू पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप कैसे खुलवाएंगे घर बैठे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है एक वेबसाइट में, इसको आपको सर्च करना है onlinesbi.com। यहाँ पर आपको लॉगिन में क्लिक करना है और जैसे आप लॉगिन में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका पर्सनल बैंकिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है और यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको लॉगिन हो जाना। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस कुछ शो होगा, ऊपर देखिए लिखा है माय अकाउंट एंड प्रोफाइल, पेमेंट ट्रांसफर, बिल पेमेंट, न्यू फिक्स डिपॉजिट, ई सर्विस, ई टैक्स एंड रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी। तो आपको रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी में क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी में क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे आपको साइड कॉर्नर में लिख के आ रहा है न्यू पीपीएफ अकाउंट, तो आपको न्यू पीपीएफ अकाउंट में क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पीपीएफ अकाउंट में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे अप्लाई फॉर पीपीएफ अकाउंट, यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर नाम लिखा होगा, आपका पैन नंबर रजिस्टर्ड होगा, यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम डालना है और ब्रांच का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर गेट ब्रांच नेम में क्लिक करना है। जैसे आप गेट ब्रांच नेम में क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर ब्रांच का नाम आ जाएगा। और अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो नॉमिनी बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो नहीं बनाइए। और यहाँ पर आपको सबमिट के बटन में क्लिक करना है और जैसे आप सबमिट के बटन में क्लिक करेंगे करेंटली आपका पीपीएफ अकाउंट का रेफरेंस नंबर आ जाएगा। रेफरेंस नंबर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको प्रिंट पीडीएफ ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा। रेफरेंस नंबर आने के साथ साथ यहाँ पर आपका जो आपका अकाउंट है यहाँ पर कस्टमर नंबर आ जाएगा और यहाँ पर क्रिएशन डेट आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, रेफरेंस नंबर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो आपको मैं पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको डाउनलोड में क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ये पीपीएफ अकाउंट का फॉर्म खुल के आ गया है। यहाँ पर आपका नाम लिखा है, आपको यहाँ पर आपकी अपनी फ़ोटो लगानी है और फोटो लगाने के बाद आपको कुछ सिग्नेचर वगैरह करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको अपने ब्रांच में इसको जमा कर देना है और जैसे आप जमा कर देंगे तो वहाँ पर आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन कर देंगे। ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, अकाउंट तो आपका ओपन होगा लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ये आपको फॉर्म लेके आपको अपने ब्रांच में जाके वहाँ पर जमा करना, सिर्फ एक काम है आपको जमा कर देना है बस। इसके बाद आपको डायरेक्टली पीपीएफ अकाउंट ओपन हो जाएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो पे इतना ही, वीडियो पर बंदा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पे इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।